Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to take another thinker, that is Mary Wollstonecraft. We are going to know to discuss the educational philosophy of Mary Wollstonecraft. Okay, देखिए हम लोगों ने अपने समय में इनको नहीं पढ़ा था, पर ये मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि ये मतलब रूसो के समकक्ष ही ये थिंकर थी और इनको ये चूंकि सिलेबस में नहीं थी. देखिए हम लोग एज स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ सिलेबस पे ही स्टिक करते हैं बिकॉज बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, एग्जाम देने होता है, स्ट्रेस होता है, तो नहीं पढ़ा. इस बार भी जब सिलेबस में ऐड हुआ तो मैंने पाया कि मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, और जब मैंने पाया पढ़ा इनको तो मुझे लगा कि कितनी रिवोल्यूशनरी थी उस वक्त, ये क्या बातें कर रही हैं जो हम लोग अब करते हैं और अपने आप को बहुत यू कैन से प्रोग्रेसिव समझते हैं, है ना. तो बहुत ही इनके रिवोल्यूशनरी आइडिया हैं और अपने समय से बहुत आगे की सोच थी इनकी. तो ये अच्छी बात है कि इनको देर से ही सही सिलेबस में ऐड कर दिया गया है ताकि लोग इनके बारे में जानें पढ़ें. होगा बहुत जगहों पर सिलेबस में, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कौन थी, ये द पायनियर फेमिनिस्ट ऑथर एंड एजुकेटर इन द 18th सेंचुरी. 200 साल पहले की बातें हैं ये और हम अब इनके बारे में जान रहे हैं. इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हाउ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेशनल एजुकेशन. बहुत इन्होंने तार्किकता की बातें की, बहुत तार्किकता की, है ना. रेशनैलिटी इनकी फिलोसफी का जिस्ट है, की पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है. कॉज्ड हर टू बी एन एडवोकेट ऑफ विमेन्स एजुकेशन, और विमेन एजुकेशन की बात ये उस वक्त कर रही हैं, बियॉन्ड सोशल डिपार्टमेंट एंड मीनियल एक्टिविटीज. जो सामाजिक स्टेटस है महिला का, जो वो उससे कमतर काम लिए जाते हैं या उसके काम को कमतर आंका जाता है, उसके बियॉन्ड ये विमेन्स एजुकेशन की बात रैशनैलिटी के ग्राउंड पर उस वक्त कर रही थी. वॉलस्टोनक्राफ्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी बिल्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग अ विमेन्स इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज. ये उस जमाने की बात है जब महिला को माना ही जाता था कि वो पुरुष की सबॉर्डिनेट है और उसको उसकी बातें माननी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है या कम बुद्धि है. उस वक्त ये ऐसी बातें कर रही हैं, पर्टिकुलरली बाय एम्फेसाइजिंग द स्किल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बातें कर रही हैं थ्रू द मास्टरी ऑफ सच सब्जेक्ट्स एज मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड लैंग्वेज. ये कह रही हैं कि जो आप विमेन है, जो फीमेल है, उसको भी आप मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज पढ़ाकर उसकी लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के स्किल को आप डेवलप कीजिए और उसके इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज को स्ट्रेंथन कीजिए. The Industrial Revolution forged a redefinition of women's social and economic status when many abandoned their traditional child-rearing roles and joined the factory labor force at a usually lower wages than men. देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुई इसने बहुत मतलब सामाजिक व्यवस्था को बदलने का बहुत काम किया. हुआ क्या कि चूंकि बहुत सारे पुरुष जो थे वो युद्ध में मारे गए तो घर में महिलाएं अकेली रह गई और उनको कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी, तो वो उन्होंने अपनी चाइल्ड रियरिंग रोल को छोड़ा, ट्रेडिशनल रोल को छोड़ा. मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके पहले की बात है कि औद्योगिक, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर युद्ध का आप ये भी मत समझिए कि युद्ध आया उस वक्त, आप ये समझिए कि औद्योगिक क्रांति आई तो मशीनों पे काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत हुई. तो इन्होंने अपना काम छोड़ा कि भाई ठीक है पुरुष भी काम कर रहे हैं, कम पड़ रहा है, तो महिलाएं भी निकल रही हैं घर से काम करने के लिए, और यूजुअली लोअर वेजेस देन मेन, मनुष्य सॉरी पुरुष से कम रोजगार पे, कम वेतन पे, कम पारिश्रमिक पर वो जनरली काम करने के लिए फैक्ट्री लेबर फोर्स का हिस्सा बनी महिलाएं जब औद्योगिक क्रांति आई, है ना. फिर उसके बाद he has long been appreciated as a major political thinker. उनको बहुत समय तक उनको हम एक राजनीतिक विचारक के रूप में जानते रहे, but she also made important contribution to educational theory and practice. पर उन्होंने बहुत कुछ शैक्षिक थ्योरी और शैक्षिक प्रैक्टिस पे भी, अभ्यास पे भी बहुत important contribution किया है. In 1786, Mary Wollstonecraft wrote a short tract entitled Thoughts on the Education of Daughters. देखिए उस वक्त ये Thoughts on the Education of Daughters लिख रही हैं 1786 कि बेटियों को कैसे. अच्छा इनकी अगर बायोग्राफी के बारे में बात करें तो ये अपने माता पिता की 7 संतानों में दूसरे नंबर पे थी और लड़कियों में सबसे बड़ी थी, मतलब इनसे बड़ा एक भाई था. तो इन्होंने बहुत फील किया कि भाई और बहन और इनके परवरिश में, अपब्रिंगिंग में, पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है.
उसको मतलब प्रिविलेज दिया जा रहा है, भाई को इनको नहीं दिया जा रहा है, और फिर इनके पिताजी ने भी नौकरी वगैरह छोड़ दी और शराब वगैरह पीने लगे, मतलब बहुत घर का माहौल खराब हो गया, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई के साथ इन्होंने घर छोड़ दिया था और फिर कभी वापस अपने घर लौट कर नहीं गई। तो इन्होंने ये जो फील जो इन्होंने फील किया कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को कमतर समझ रहे हैं, ये उन्होंने उनकी राइटिंग्स में इसका जिक्र मिलता है। तो बट थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स ये 1786 में ही लिख चुकी थी, बट इट वॉज द एडवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789, पर जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है जिसने पूरी दुनिया को बहुत प्रभावित किया, दैट ब्रॉट मैरी इन टू द पब्लिक आई। उसके बाद ये जनता ने, लोगों ने इनको पहचानना शुरू किया। शी हैज रिटन अ बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। देखिए पहले ये राइट्स ऑफ मैन पे किताब लिखती है, अ डिफेंस ऑफ द रिवोल्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, द बुक पब्लिश इन 1790, 1790 में ये किताब पब्लिश होती है। उसके बाद इन 1792 मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। फिर 2 ही साल बाद ये दूसरी किताब लिखती हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं। इट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द आर्ग्यूमेंट्स अराउंड वुमेन्स राइट्स एंड हैज सिंस बिकम ए फेमिनिस्ट क्लासिक। और उसके बाद से ही इतनी इस पर बात हुई, इतना इन्होंने इस पर लिखा है कि ये फेमिनिस्ट क्लासिक कहा जाने लगा और ये अर्लीस्ट फेमिनिस्ट थिंकर में गिनी जाने लगी। शिक्षा पे क्या कहा है इन्होंने, ऑन एजुकेशन क्या है इनका, कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज मोर ऑफन देन नॉट रिगार्डेड एज प्योरली पॉलिटिकल ट्रिटाइज। आप इसको पॉलिटिकल ट्रिटाइज मत समझिए, शिक्षा पे भी इसमें बात की गई है। हाउएवर लाइक प्लेटोज रिपब्लिक एंड रूसोज ईमेल, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक और रूसो की ईमेल को पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है और एजुकेशन में भी, इट कैन बी सीन एज बोथ अ पॉलिटिकल एंड एन एजुकेशनल ट्रिटाइज। आप इसको शैक्षिक भी कृति मान सकते हैं। इट इज अबव ऑल अ सेलिब्रेशन ऑफ द रैशनैलिटी ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने कुछ नहीं तो औरतों की तार्किकता का ही एक तरीके से सेलिब्रेशन किया है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अटैक ऑन द व्यू ऑफ फीमेल एजुकेशन पुट फॉरवर्ड बाई रूसो एंड काउंटलेस अदर्स हु रिगार्डेड वुमेन इज वीक एंड आर्टिफिशियल एंड नॉट केपेबल ऑफ रीजनिंग इफेक्टिवली। उस वक्त के जो विचारक थे, बड़े विचारक जो महिलाओं को मूर्ख समझ रहे थे, उनको कम बुद्धिमान समझ रहे थे, उनसे मान कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम कमजोर हो, और इस तरीके की बातें कर रहे थे, उनके लिए उन पर अटैक किया उनकी राइटिंग ने। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रिजेक्टेड द एजुकेशन इंडिपेंडेंसी दैट रूसो एडवोकेटेड फॉर देम इन ईमेल। रूसो ने अपनी ईमेल में वुमेन के लिए जिस तरीके की एजुकेशन, डिपेंडेंट एजुकेशन की बात की है, उसका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने विरोध किया, उसको रिजेक्ट किया। अ वुमेन मस्ट बी इंटेलिजेंट इन हर ओन राइट, शी आर्ग्यूड। उन्होंने तर्क दिया कि महिला को बुद्धिमान होना चाहिए सही मायनों में, अपने मायनों में। शी मेंटेन दैट दिस डिड नॉट कंट्राडिक्ट द रोल ऑफ द वुमेन एज ए मदर और ए केयरर और द रोल ऑफ द वुमेन इन द होम। कह रही हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि अगर महिला बुद्धिमान होगी तो वो अपने माँ का रोल, अपने घर में जो वो देखभाल का रोल प्ले करती है, जो भी वो अपने घर में घरेलू काम करती है, उसमें कोई कमी आ जाएगी। शी मेंटेन दैट मीक वाइफ्स आर इन जनरल फूलिश मदर्स। उन्होंने कहा जो कमजोर पत्नियां हैं, जो कुछ सबॉर्डिनेट हैं, जो बोल नहीं रही हैं, जो आवाज नहीं उठा रही हैं, वो मूर्ख माएं साबित होंगी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को कैसे परिभाषित कर रही हैं ये, द मोस्ट परफेक्ट एजुकेशन इन माय ओपिनियन इज सच एन एक्सरसाइज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने कहा एजुकेशन कुछ नहीं है बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है, एज इज बेस्ट कैलकुलेटेड टू स्ट्रेंथन द बॉडी एंड फॉर्म द हार्ट। उस वक्त ये सारी बातें कर रही हैं कि आपके शरीर को स्ट्रेंथन करें, मतलब फिजिकल एजुकेशन को इम्फेसिस करें, एंड फॉर्म दी हार्ट यानी कि आपके मन, दिल का मतलब मन का विकास करें, यानी आपको हार्ट, हम लोग भी क्या हैंड हेड हार्ट की बात करते हैं ना, यानी कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव की बात ये तभी कर रही है। और इन अदर वर्ड्स ही टू इनेबल द इंडिविजुअल टू अटेन सच हैबिट्स ऑफ वर्च्यू एज वेल एज render it independent. In fact, it is a farce to call any being virtuous whose virtues do not result from the exercise of its own reason. This was Rousseau's opinion respecting men. I extend it to women. यानी कि रूसो जो बातें आदमियों के लिए कह रहे हैं, पुरुषों के लिए कह रहे हैं, ये उसको आगे बढ़ा के महिलाओं तक ले जा रही हैं और कह रही हैं कि ऐसी शिक्षा हो जो जिसमें अंडरस्टैंडिंग की बात हो, उसकी उसकी बार बार अभ्यास किया जाए, आपका शरीर मजबूत बने, आपका दिल मजबूत बने, आपके दिल का निर्माण हो, है ना, इस तरीके की बातें की जाए कि आपको आप गुणवान बने, है ना, और रीजन की बात की गई, तर्क की बात की गई, ये सारी बातें उन्होंने कही।
और इनका एक कोटेशन है, सब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से लिया गया है, कंटेंडिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन माय मेन आर्ग्यूमेंट इज बिल्ट अपॉन दिस सिंपल प्रिंसिपल. वो कह रही है कि एक छोटा सा सिद्धांत पे मेरा सारा आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, दैट इफ शी बी नॉट प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशन टू बिकम द कंपेनियन ऑफ मैन शी विल स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड वर्च्यू. वो कह रही है कि आपको उसको मनुष्य का, सॉरी मनुष्य बार बार निकल रहा है, पुरुष का आप उसको साथी समझिए ना, यानी दोनों बराबरी से काम करें, जो कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक पहिए के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहिए हैं, है ना, जो बातें की जाती हैं. नहीं, अगर ऐसा होगा आप उसको कमतर समझेंगे, नहीं पढ़ाएंगे रीजन, आप नहीं मानेंगे कि वो रीजनेबल हो सकती है, तो इससे क्या होगा कि नॉलेज की प्रोग्रेस रुक जाएगी. For truth must be common to all or it will be inefficacious with respect to its influence on general practice. And how can women be expected to cooperate unless she knows why she ought to be virtuous? वो कह रहे हैं कि मतलब महिला को कह दिया गया कि तुमको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम virtuous रहो. तो वो कैसे, जब तक उसको पता नहीं होगा कि क्यों उसको गुणवान रहना है, क्यों उसको गुणों से युक्त रहना है, क्यों उसको गुणों का पालन करना है, तब तक वो कैसे समझेगी. And how can women be expected? ये हो गया. Unless freedom strengthens her reason till she comprehends her duty and seen what manner is connected with her real good. If children are to be educated to understand the true principle of patriotism, their mother produced by considering the moral and civic. Their mother must be a patriot and the love of mankind. वो कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे को देशभक्त बनाना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत करना चाहते हैं, तो माँ देशभक्त होनी चाहिए. कहने का मतलब कि आप उसे कुछ भी काम मत लीजिए बाहर का, लेकिन उसको अपने बच्चे की सही परवरिश करने के लिए भी शिक्षित होना है, तभी आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो एक अच्छा परिवार चलाएगी, अच्छे तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग करेगी. ये सारी बातें उन्होंने कही. और इन्होंने कहा मॉरल एंड सिविल इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड बट द एजुकेशन एंड सिचुएशन ऑफ वुमेन एट प्रेजेंट शट्स हर आउट फ्रॉम सच इन्वेस्टिगेशंस. लेकिन उस वक्त के बारे समय से ये बहुत आगे की बातें थी. हर थॉट्स, उन्होंने क्या उनके विचार थे. वोल्स्टोनक्राफ्ट वाज अ रिवोल्यूशनरी फिगर इन अ रिवोल्यूशनरी टाइम. एक क्रांतिकारी समय में वो एक क्रांतिकारी फिगर बनी. शी टुक अप एंड लिव्ड नॉट ओनली द लिबरल कॉल फॉर वुमेन्स एजुकेशनल एंड मॉरल इक्वालिटी बट ऑल्सो वर्चुअली ऑल ऑफ द अदर रिलेटेड वायलेंटली contested questions of the 1790s, questions pertaining to the principles of political authority, tyranny, liberty, class, sex, marriage, child rearing, property, prejudice, reason, sentimentality, promises, suicide, to mention only a few. कहने का मतलब कि लिबरल कॉल की तो वो बात कर ही रही थी कि महिला को पढ़ाओ, उसको शैक्षिक और नैतिक रूप से इक्वालिटी प्रदान करो, लेकिन वो और कौन सी बातें कर रही थी, वो सारी जो समसामयिक है उस वक्त के लिए, कि महिला को जो वोट देने का अधिकार नहीं था बाहर, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, उसको स्वतंत्रता नहीं थी, उसके क्लास, सेक्स और मैरिज को लेकर भी बातें हो रही हैं, वो कुछ डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है, चाइल्ड रियरिंग उस पर थोपा जा रहा है, प्रॉपर्टी का उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए लोगों के मन में प्रिजिडिस है, उसको आप रीजनेबल नहीं समझ रहे हैं, और उसके लिए मान के चल रहे हैं कि वुमेन है तो बस सेंटिमेंटल होंगे, सेंटिमेंटल होगी, उसके पास सेंटिमेंट्स होंगे और कुछ नहीं होगा. इस तरीके की जो बातें थी उन सब से वो डील कर रही थी. She was regarded as a formidable figure who challenged the sexual and moral norms of her society in radical ways. उन्होंने मतलब जो women का sexual और moral norm था उसको challenge किया. She advocated a radical revision of British law to enable a new egalitarian marriage in which women would share equality in the management and possession of all household resources. इन्होंने एक ब्रिटिश लॉ में उस वक्त चेंज किया, मतलब रिविजन के लिए एडवोकेट किया, मतलब उसको सत्यापित किया कि ये होना चाहिए कि मैरिज जो है इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन का क्या मतलब होता है, समता मूलक, इसमें पति पत्नी को समानता हो, जिसमें विमेन को आप इक्वली शेयर करें, किसमें, मैनेजमेंट एंड पोजिशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड रिसोर्सेज, घर में जो भी संपत्ति है उसका पोजिशन उसको मिलना चाहिए, है ना. Women be paid and paid equally. उन्होंने कहा कि आप औरतों को भी पे कीजिए और बराबर पे कीजिए फॉर देयर लेबर. दैट दे गेन द सिविल एंड लीगल राइट टू पजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, जिससे कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकें, प्रॉपर्टी बेच सकें. तो ये सारी बातें कब हो रही हैं, 1792 में ये बातें हो रही हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए. अभी हम लोग इसको समझेंगे, अभी लोकल कंटेम्प्रेरी इश्यूज के संग तो हम समझेंगे तो ठीक है, नॉर्मल है, होना चाहिए, लेकिन ये कब ये बातें हो रही हैं तब इसकी महत्ता आपको समझ में आएगी कि 200-250 साल पहले की बातें. फिर वो विमेन सफरेज की बात कर रही हैं. उन्होंने कहा कि विमेन ऑट टू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टेड ऑफ बीइंग आर्बिट्रेरिली गवर्न्ड विदाउट एनी डायरेक्ट शेयर अलाउड देम इन द डेलिबरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कह रहे हैं कि आप उनको गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनाइए. शी कॉल्ड फॉर एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल्स टू द एडवांसमेंट ऑफ विमेन. और इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि महिलाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाया जा सके. तो
वो मानती क्या थी कि विमेन जो है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं, रैशनैलिटी पे बहुत बात की उन्होंने, कहा कि सेम फंडामेंटल राइट्स उनको मिलने चाहिए, उनको आप विमेन समझिए, आप उनको ऑर्नामेंट मत समझिए, प्रॉपर्टी नहीं समझिए, है ना, मॉरल फाउंडेशन है वो सोसाइटी की, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग विमेन एज ऑर्नामेंट्स टू सोसाइटी, मतलब औरतों को आप समाज का गहना मत समझिए, प्रॉपर्टी मत समझिए जिसको आप मैरिज में डील कर रहे हैं. शी आर्ग्यूड दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स डिजर्विंग ऑफ द सेम फंडामेंटल राइट्स एज मेन, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके हिसाब से महिलाएं, और उनको मौलिक अधिकार पुरुष के समान मिलने चाहिए. इन राइट्स ऑफ विमेन वोलस्टोनक्रॉफ्ट रिजेक्ट्स द अजम्पशन दैट द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ विमेन इन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, ये सब उन्होंने मना किया कि नहीं, विमेन का सबऑर्डिनेट पोजीशन नहीं है, एज ह्यूमन बीइंग्स दे आर रैशनल क्रिएचर्स, वो मनुष्य हैं चूंकि इसलिए वो तर्कपूर्ण होंगी. ठीक है, उन्होंने कहा कि विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट, देखिए ह्यूमन राइट का कंसेप्ट यूडीएचआर का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कितना बाद में आया, और ये कब की बात कर रही हैं कि विमेन राइट भी ह्यूमन राइट है, क्योंकि विमेन भी ह्यूमन है. द आइडिया ऑफ विमेन्स ह्यूमन राइट्स इज द व्यू दैट विमेन आर इंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स विद मेन बिकॉज बोथ मेन एंड विमेन शेयर्ड स्टेटस एज ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य भी पुरुष भी चूंकि मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, तो हमको भी मनुष्यता के सारे अधिकार मिलने चाहिए मनुष्यत्व के, है. To her, the idea of rights was not parasite on any legislation. मतलब कह रही है कि आप उसको बाधक मत समझिए, उसको परजीवी मत समझिए, उसको रीजन्ड मोरालिटी के हिसाब से समझिए, और ह्यूमन राइट माना जाना चाहिए विमेन के राइट को. और इनके जो जो राइटिंग है उसका पूरा टाइटल देखिए क्या है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स. तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी से मुक्त होने की बात तो बहुत पहले से कर रही है ना. तो ये सारी बातें कह रही है कि विमेन राइट ह्यूमन राइट है. सेलियंट फीचर्स देखें तो रीजन पे इन्होंने बात की है, सब कुछ रीजनल, रीजन वॉज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. उन्होंने कहा कि रीजन की वजह से ही हम सच को समझ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो रीजन पे यानी कि तर्क पे प्रधानता उन्होंने बताई. फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की, उनके पहले जेंडर इक्वालिटी की इस तरह से कभी बात नहीं हुई थी, है ना, जेंडर इक्वालिटी की, बच्चियों को भी पढ़ाइए, उनको बराबर से शिक्षा दीजिए, और ये सारी बातें उन्होंने की. Whatsoever for them not to be given the same opportunities, मतलब उनको पुरुषों के साथ लड़कों के समान आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप उनको मना मत करिए, रोकिए नहीं. और ये उस वक्त बात कर रही थी कि और लड़के और लड़कियों को एक ही टेक्स्ट पढ़ाइए, जबकि ऐसा उस वक्त प्रचलन में नहीं था. इसके अलावा ये को एजुकेशन को एडवोकेसी कह रही है कि शी हैज ऑल्सो प्रपोज दैट बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी एजुकेटेड टूगेदर, विच वॉज इवन मोर रेडिकल देन एनीथिंग प्रपोज बिफोर. ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस वक्त के हिसाब से. और फिजिकल एजुकेशन की बात, क्योंकि स्ट्रेंथन ऑफ बॉडी की बात की जा रही है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन पर बल दिया. तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की दशा से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इस किताब में हैं. नॉट ओनली डिड शी आर्ग्यू फॉर वुमेन्स इक्वालिटी विद मेन इन एजुकेशन, बट शी ऑल्सो called for their equality within the law as well as their right to parliamentary representation. ये बताया उन्होंने कि सिर्फ women की equality के लिए उन्होंने argument नहीं किया, but उन्होंने कहा कि उनको law के अंदर भी equality मिलनी चाहिए. parliamentary representation की बात की, आज तक हम लोग parliament में मतलब actually implement नहीं कर पाए हैं महिलाओं का आरक्षण. Mary Wollstonecraft was a pioneer for women, no doubt. She led the way for feminists. उनके काम ने फेमिनिस्ट के लिए रास्ता खोला, और बहुत सारे फेमिनिस्ट उन्हीं के काम से प्रभावित होके बने हैं, जैसे कि आपकी सिमोन डी बीवियर हो गई, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, काइमे शियर्स हो गई, एंड ऑल. ठीक है, तो इस तरह से मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का ये है इन शॉर्ट. वो रीजन पे बात कर रही हैं, वो जेंडर इक्वेलिटी पे बात कर रही हैं, वो सेम एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, को एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन एडिशन टू दिस प्रैक्टिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, और भी बातें कर रही हैं, है ना. और बहुत क्रांतिकारी थी अपने समय के हिसाब से. उनकी किताब है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, पहले मेन पे भी लिखी है. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रेड अ न्यू एजुकेशनल थिंकर एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी एंड आई हैव शेयर्ड दिस वेरी नॉलेज विद ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.